केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गंभीर है, लेकिन अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उतने ही शिथिल दिखाई देते हैं। सरकार लगातार गरीबों को आवास ये योजनाओं से गरीबों का भला कर रही है, लेकिन अफसोस अलीगढ़ जनपद के ब्लॉक अकराबाद के गांव सिकंदरपुर के कई घर ऐसे हैं जो योजनाओं का लाभ सही से नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ एक ऐसा परिवार है जो दशकों से एक छत की तलाश में है। प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा की सरकार बनी, लेकिन इस परिवार का आज तक भला नहीं हो सका। अलीगढ़ से देखिए राजपाल सिंह नारे की खास रिपोर्ट। साथियों नमस्ते, आइए यहाँ आज डेली न्यूज़ की टीम जो है सिकंदरपुर ब्लॉक अकराबाद के ग्राम सभा सिकंदरपुर में है। तो यहाँ भी देखते हैं कि सरकार की जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना है, सरकार का वादा भी है और दावा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के सर पर छत होनी चाहिए। इसके तहत न जाने यहाँ कितने लोगों को आवास सरकार दे भी चुकी है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ऐसे लोगों को आवास मिल गए हैं जिन लोगों के आवास भी हैं वो अच्छी पहुंच रखते हैं। ये एक यथार्थ आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं और ऐसे आवास पर जहां आप देख रहे होंगे, ये मेरे पीछे जहां जो आवास दिख रहा है आपको, और भी कहेंगे कैमरामैन साथी से वो एक बार दिखाएँ। ये आवास जो इनका बना हुआ है आवास, तो ये देखिए कभी आज तक यहाँ कभी नंबर ही नहीं आया इनका। अब जब अभी मेरी बात हुई तो अब ये और असलियत बताएंगे। इसमें डेली न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों से संदेश देना चाहता हूं कि सरकार की उन कल्याणकारी योजनाओं को कब तक और कैसे उन लोगों तक पहुंच पाएंगी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। आइए डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। साथियों नमस्ते, आइए मैं आपको ऐसे गाँव और ऐसे शख्स और ऐसे आवास से मुलाकात कराता हूँ जो लोग ये कहते थे कि यहाँ सभी के मकान या सरकार की जो कल्याणकारी योजना है वो उन लोगों तक पहुंच चुकी हैं ज़मीनी स्तर तक, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों या फिर अधिकारी हों। अधिकारी वर्ग से यदि पूछा जाता है, ब्लॉक लेवल से भी अगर बात की जाती है, तो वो अपना 100% दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है। आइए हम ऐसे लोगों से मुलाकात कराते हैं। मैं पहले भैया आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी बताएँ, ये आवास जो इस तरह का है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कई सालों में इसी छत के नीचे इसी मकान में अपनी समय गुजार रहे हैं। नहीं ऐसा मतलब इनके पिताजी का या दादा दादी का कोई और भी मकान था इनका? नहीं, पहले जब कभी था होगा, अब तो इन्होंने की दादा दादी पिताजी इसी मकान से इन्होंने अपना समय गुजारा है और आज भी इनकी आज भी यही कंडीशन। तो आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? जब सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार की योजनाएं भी बदलती रहती हैं, लेकिन आज तक इन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। सरकार से यही मांग है कि इनका अपना पक्का मकान मिल जाए, छत मिल जाए, जो कि अपना समय गुजार सकें। चलिए, आपने डेली न्यूज़, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह जी, ये आवास आपका ही है? हाँ जी। या इसके अलावा और भी कोई मकान है आपका? नहीं, मेरे पास कोई मकान नहीं है, एक अच्छा मकान है बाबा के सामने का।
अच्छा, तो ये क्या है अब तक? जैसे सरकार की तो योजना इस तरह की है कि सबके सर पर छत होगी, लेकिन आपका तो ये मकान प्लास्टिक में आप लोग रह रहे हैं, कारी प्लास्टिक, क्या करें, मजबूरी में करना पड़ रहा, कोई कसनता ही नहीं हमारी। नहीं हुआ क्या, आपने कभी आवेदन किया है? आवेदन किया करते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाता है, कहते हैं कि पुराने कभी बाबा दादा के नाम पर मिल गया, वो उसकी वजह से नहीं मिल रहा। आप बताइए कहाँ मिल रहा, कहाँ है? तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि ये मकान पहले कहीं कागजों में ही मिला होगा, यदि कभी मिला है तो। क्या घोटाला हुआ उसमें मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, जो है आपके सामने है। अच्छा, आप लोगों के लिए और कोई मकान है यहाँ रहने के लिए? नहीं, कोई नहीं, यही ना मकान बस यही है। हाँ। तो ये तो कभी भी ये बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सारी छत इसकी बैठी हुई है। हाँ जी सर, जब भी ये बारिश पड़ती है तब ये छत से पानी भी गिरता है और छप्पर से भी, तो हमें कभी कभी तो रात में जब बारिश पड़ती है तो बैठ के ये रात काटनी पड़ती है पूरी। तो यहाँ सरकार के तो इतने बड़े दावे हैं, तो तुमने किसी अधिकारी या नेताओं से मुलाकात नहीं की? सर इतनी हमारी पहुँच ही नहीं है जो हम किसी अधिकारी या नेता के किसी के पास जा सकें। तो आपने अब तक कभी ऑनलाइन किया है? एक बार किया था, वो भी कैंसिल कर दिया। हमने CM पोर्टल के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी, मदद मांगनी थी। उसमें BDO साहब ने ऐसे बोल दिया कि 2011 की जनगणना में आपका नाम नहीं है। तो BDO आपका ब्लॉक कौन सा लगता है? अकराबाद जी। क्या नाम है बेटा आपका? आपका, मेरा नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, ये क्या है मामला, ये मकान आपका और भी है कहीं? नहीं नहीं है? फिर ये मकान बस यही मकान है? तो लोग तो और बता रहे थे कि आपका कोई और मकान है बाजार में अंदर गांव में। नहीं नहीं, ये तो वैसी बात कहने की बात है। अच्छा, तो आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी आप बताइए? हमारी सरकार से मांग है हमारा मकान बन जाए। हाँ जी, तो आपके माताजी पिताजी वगैरह या ये जो रहते हुए तो वो भी इसी मकान में थे या कोई और था मकान? हाँ इसी मकान में थे, वो गुजर गए जी। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में इस मकान कमलेंद्र कुमार यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदरपुर जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो अभी ये बता रहे थे विक्रम सिंह कि हमारा मकान, तो ये मकान के बारे में आप बताओ। इनका काफ़ी लोगों के मकान बन जाते हैं गरीबों के, लेकिन यहाँ कैसे नहीं बन पाया? यहाँ तो अब ये तो वो ही जाने लोग कि क्या है कैसे है। दूसरी समस्या ये गांव की कुछ राजनीतियाँ हैं, मेन बात तो गांव की राजनीतियाँ हैं, यहाँ आओ ना। असली बात पर नहीं, तो राजनीति राजनीति की जगह पर रहेगी, गरीबों से ही राजनीति पूरी होती है आजकल। गरीबों की होती है, जो ग्राम समाज की जमीन, जो हमारे गाँव में एक तो धनाढ्य माने 4 बीघा 6 बीघा 10 बीघा दावरा भी है, वहाँ किसी की निगाह नहीं है। चलिए, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी ऐसे लोगों के प्रति? ऐसे चाहते हैं कि सरकार जो पात्र हैं उनका आवास मिलना चाहिए, कोई गरीब हो चाहे और उससे भी वो हो उसको तो मिलना चाहिए जो भी है। छत तो होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट का जब वो है कि छत होनी चाहिए सबकी, तो छत होनी चाहिए। तो इनके सर पर तो छत है नहीं, इनकी है नहीं, तो इन्हें मिलना चाहिए। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलना चाहिए।